अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टीचर्स की शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है पूरे पंजाब से। मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर और मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस अनाउंस की गई हैं, क्या प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली जॉब अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, हम वीडियो का बकायदा आगाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पोजीशंस, एक एडवर्टाइजमेंट ओपन है। यहाँ पे है जी वाह कंटोनमेंट, जो है वो बोर्ड की तरफ से जॉब्स अनाउंस की है। फैकल्टी रिक्वायर्ड है, यानी टीचर्स रिक्वायर्ड है, जिसमें सीनियर टीचर, जूनियर टीचर, मोंटेसरी टीचर है, फिर एडमिन सुपरवाइजर है, कार्यकारी, इस तरह मुख्तलिफ जो है टीचर्स की पोजिशंस है मेल और फीमेल के लिए। अब यहाँ पे आपकी जो भर्ती है वो वाह कंटोनमेंट, वाह कैंट में ही होगी, ठीक है। लेकिन पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि अप्लाई सबसे कर सकते हैं। बाकी जो फर्दर चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को वो है जी बॉयज के लिए, ठीक है। यहाँ पे कैंट जो है वो पब्लिक बॉयज स्कूल एंड कॉलेज, ओके। और यहाँ पे लाला रुख जो भी नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जी फर्स्ट पोजीशन हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन है जी सीनियर टीचर उर्दू एंड बायोलॉजी के लिए। सैलरी 35,000 होगी पर मंथ। एक पोजीशन इनकी है उर्दू, यानी वन ईच का मतलब है एक उर्दू की एक बायोलॉजी की। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एमए एमएससी फर्स्ट ईयर रेलिवेंट सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एमएससी बायोलॉजी वाले या फिर जो है वो एमए उर्दू वाले, ठीक है। साथ में बीएड की भी फर्स्ट बीएड भी होना चाहिए, फर्स्ट ईयर है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोजीशन है जी जूनियर टीचर, ठीक है, जिसमें आ जाता है जी इंग्लिश, इस्लामियात, सोशल स्टडी एंड साइंस। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ होगी। 4 पोजीशंस हैं हर की, यानी कि एक है, ठीक है। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई करेंगे, बीएड भी होना चाहिए, फर्स्ट ईयर होना चाहिए उसमें भी, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाता है जी मोंटेसरी टीचर, ठीक है। यहाँ पे सैलरी उनकी है 25,000, 3 पोजीशंस हैं इसकी, यानी कि बॉयज की, फीमेल की तरफ भी आपको लेकर चलूंगा। और बीए जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई करेंगे, मोंटेसरी का जो डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का और 5 साल का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे पोजिशन आ जाती है यहाँ पे हमारे पास जी लाइब्रेरियन से पहले यहाँ पे आ जाती है जी पोजिशन कार्यकारिया, जो है 25,000 जो है वो सैलरी होगी एक ही पोजीशन, यानी कि कारी या कारिया की। और इसके लिए जो है वो इल्मुल तजवीद का जो है वो कोर्स रिक्वायर्ड है, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ता हूँ जी, नेक्स्ट हमारे पास पीटीआई। अब पीटीआई क्या होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, ये फिजिकल टीचर है, ठीक है। और इसके लिए भी सैलरी 25,000 है। यहाँ पे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वाले डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं और 1 ईयर जो है वो फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरियन है जी, 25,000 सैलरी होगी, एमए एमएससी लाइब्रेरी साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद पोजीशन है जी लैब असिस्टेंट फिजिक्स, ठीक है, 20,000 सैलरी होगी, बीएससी मिनिमम सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है जी पोजिशन हमारी जो है वो गर्ल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है वो है जी, यहाँ पे देखें जी कैंट पब्लिक एंड पब्लिक गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज ऑफिसर्स कॉलोनी, वहां का ये वाकेंट का ही, ठीक है। उसमें हमारी जो आ जाती है सीनियर टीचर उर्दू की, 35,000 सैलरी है, एमए एमएससी फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड का फर्स्ट ईयर होना चाहिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाते हैं जी जूनियर टीचर इंग्लिश मैथ, ठीक है, उसकी भी जो है वो सैलरी 25,000 है, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और यहीं पर जो है पोजीशंस आ जाती हैं, नेक्स्ट पे जो आ जाती हैं वो है कैंट पब्लिक गर्ल्स, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए जी कैंट पब्लिक गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज नवाबाबाद, ठीक है, वहीं की है, तहसील होगी या जो भी सिटी होगा वो, ठीक है। उसमें आ जाती है जी सीनियर टीचर फिजिक्स, 35,000 सैलरी, एमएमएससी फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाती है जी जूनियर टीचर, ठीक है, इंग्लिश, सैलरी इतनी, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाती है जी मोंटेसरी टीचर, सैलरी 25,000, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर, मोंटेसरी का डिप्लोमा 1 ईयर, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास आ जाता है जी एडमिन सुपरवाइजर की पोजीशन, और ये भी नवाबाबाद में है, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज के नवाबाबाद में। एडमिन सुपरवाइजर सैलरी 25,000 है,
और रिटायर्ड आर्मी एनसीओ जीसीओ मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के हवाले से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये तमाम पोजीशंस अनाउंस की गई हैं वाक कंटोनमेंट के अंदर और उन्होंने कहा पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन करीबी लोगों को तरजीह देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें जी वहां पे करीबी लोगों को तरजीह दे देंगे, क्या पता करीबी इतनी क्वालिफिकेशन वाला मौजूद ना हो आप सिलेक्ट हो जाएं। फर्दर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। कैंडिडेट शुड जो है वो क्लियरली मेंशन, आपने जो है वो अपने एक सीवी तैयार करनी है, ठीक है, उसके उसके जैसा जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उसकी कॉपीज अटैच करनी है, ठीक है, आपने लिफाफा लेना है उसके अंदर चीजें डालनी है और लिफाफे के कॉर्नर के ऊपर इनवेलप जिसे कहते हैं उसके कॉर्नर में आपने लिख देना है कि हम किस पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, नवाबाबाद में कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो है वो दूसरा वाकेंट जो मैंने आपको जितनी तहसीलें वगैरह बताई हैं वो सारी, ठीक है, वो आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट में है जी दिस पोस्ट विल नॉन ट्रांसफरेबल, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मुल्तान से अप्लाई करते हो आपकी सिलेक्शन हो जाती है फिर आप कहें जी मैं ट्रांसफर करवा लेता हूँ मुल्तान में करवा लेती हूँ, नहीं, आपने वहीं पर जाके जो है जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब्स की, बेरोजगार हैं, परेशान हैं, वो लाजमी इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा, वहां पर जाके जो है वो मैनेज कर ले कोई रूम वगैरह, कोई हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, तो आप वहां पे करें, ठीक है, और उसके बाद जो है साथ साथ ट्राई करते रहे, अल्लाह ताला इससे भी अच्छी जॉब दे देगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट पर होगा आपका, कहीं किसी का 2 साल किसी का 3 साल, ठीक है, नो डीएडीए मतलब कि आने जाने के कोई सफरी अखराजात आपको नहीं दिए जाएंगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू क्लास डेमो के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा रेजिडेंट्स फ्रॉम लोकल एरिया, जो लोकल एरिया से वहां पे अप्लाई करेंगे फर्स्टली उनको तरजीह देंगे, ठीक है। अब इनके जो लोकल एरिया कौन से बनते हैं, टैक्सिला बनता है, वाह बनता है और भी एक बनता है, ठीक है, थोड़ा ब्लर है, ठीक है, वो उनसे हम उनको तरजीह देंगे। अब ये भी यहाँ पे देखा जा सकता है कि शायद इन एरिया में से इतनी क्वालिफिकेशन वाले लोग ना हों या शायद फिर वो अप्लाई ना करें, ठीक है, तो इसलिए आपने लाजमी अप्लाई करना है आप जहां से भी हैं पंजाब में से, ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट शुड सेंड सीवी हार्ड कॉपीज, सब कुछ आपने सेंड करना है, कहाँ पर सेंड करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2021 है, 26 दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कॉलेज के अंदर पहुंच जानी चाहिए, ओके, हो गया। तो ये हो गई जी डिटेल। अब यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, उन्होंने कहा जी शुड सेंड सीवी ओनली हार्ड कॉपी, फॉर्मेट गिवन बिलो, यहाँ पे देखें कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस वाकेंट, ठीक है, 26 दिसंबर तक, यानी कि यहां पर ही एड्रेस मेंशन है, आपने इसी एड्रेस के ऊपर जो है वो सेंड कर देनी है, ओके, एक बार रिपीट कर देता हूं एड्रेस, कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस वाकेंट, 26 दिसंबर से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है वो आपने कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां पर देखें ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने फिल कैसे करना है, आपने अपना जो है वो नेम ऐड करना है यहाँ पे सीएनआईसी के मुताबिक, उसके बाद आप फादर नेम, डॉटर या हस्बैंड वो आपने ऐड करना है, फॉर द पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका सीएनआईसी नंबर क्या है, आपका डोमिसाइल कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जेंडर क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर एक भी देना है दूसरा देना है दो देनी है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है, अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, ओके, हो गया। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन के हवाले से मिलेगा। यहाँ पे एक बता देता हूँ, फर्स्टली आपने उसी तरीके से सारे फिल करने हैं, मैट्रिक, मैट्रिक का सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट साइंस किया है, आर्ट्स है, क्या किया हुआ है यहाँ पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ से किया हुआ है, फिर प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेंड कितने हैं, ये फिर आपकी जो है वो डिवीजन कितनी बनती है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, इसी तरह आपने तमाम जो है इसको फिल करना है जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है। स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइए भाई यहाँ पे कुछ उन्होंने हेल्प लिया हुआ है वो आप अच्छे से रीड कीजिएगा, यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं और ये ऑफिस ओनली, इसको आपने जो है वो कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, ओके, हो गया। अब यहाँ पे देखें जी एक चीज ये भी है, अगर आप नेम ऐड करना चाहते हैं कि मतलब हम किसके नेम पर भेज रहे हैं, आप राणा काशिफ शहजाद के नाम पर भी भेज सकते हैं, अदरवाइज आप कंटोनमेंट बोर्ड वाकेंट के नाम से भी सेंड कर सकते हैं, ओके, हो गया। तो अप्लाई करने की लास्ट ये 26 दिसंबर 2021 है और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दें, बेहतर अगर उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने सीवी मांगी है, ठीक है, आप अटैच कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो व्यूअर्स आप इस पर लाजमी अप्लाई करें, जो बेरोजगार हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, नौकरी के लिए मारे मारे फिर रही हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, वहां पर जाएं, 35,000 मिनिमम, 25,000 ज्यादा से ज्यादा 35,000 है,
आपकी जिस पोजीशन पर हो जाए वहां पे आप टीएडीए मैनेज करें, ठीक है, वहां पर रहें, हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल मैनेज कर लें, बॉयज जो है वहां पे रूम ले लें, ठीक है। तो आप जो है अच्छा खासा घर का रोजगार चला सकते हैं, साथ साथ जो है वो आप कोशिश करते रहें और एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे इससे अच्छी बेहतर जॉब आए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी जॉब्स आती हैं, अपडेट आती हैं, वो फौरन शेयर कर देता हूँ मुकम्मल A to Z के, कौन सी है, क्या रिक्वायरमेंट्स, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन अपडेट्स के साथ बने रहेंगे, इसको सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, देन जो भी जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।